जानी बटलर, क्या बोलती पब्लिक? जानी बटलर वो कोई मेल नहीं, और बस चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं मेरे दोस्त। अरे जिगर है जानी का, तो जानी बस चलाता, बस को बस अड्डे तक पहुंचाता। वाह जानी दादा वाह, एकदम सही बोले। क्या करते हो आप? पेन देखता हूँ, पेन लाल, पीली, हरी, गुलाबी, नेक वाली, सियाई वाली, इंक वाली, दो वाली, पांच वाली, दस वाली, कौन सी होना बोलो। आप तो तुमने मेरी शेर शायरी सुने, तो दे दो एक आधा पेन फुकट में। नहीं, ये पेन बहुत महंगा है, तुम्हारा शेर सस्ता था, दो शेर और सुनाओ, जब एक पेन दूंगा मैं। पतंग उड़ाने में अच्छी अच्छी की पतंग कटती है, और बस चलाने में अच्छी अच्छी की फटती है। और सुन जानी, जान हथी ने भी लेके हवे पे चलता है, जानू को देखने वाला देख देख के चलता है। अरे मैं शायर नहीं है, मैं बहुत तड़ा हो रहा है, और टाइम ऑफ टाइम मेरे को बस लेके जाना पड़ती। निकल ऐसे, चल हट। ए बाबूराव, ए बाबूराव कहाँ रे? अबे स्कूल पिक्चर का भूत घुस गया है, कभी बाबूराव घुसता, कभी नाना पाटेकर घुसता, कभी सचिन तेंदुलकर। कहाँ बे बाबूराव? ए बाबूराव, बाबूराव काय करूं मी? बाप रे बाबूराव कहाँ है, कहीं दिख रहा नहीं। अरे मेरे बाप रे, ये तो बाबूराव फुल सो गए, बोल रहा ए बाबूराव। अरे बाप, क्या घोर रहा है शेर के जैसे, नाम बाबूराव और घोर रहा भी था। अरे मेरे बाप रे, ए बाबूराव उठना रे बाबा। अरे भड़गा पाचरा जाने का अपने को। अरे काय को उठा रहा है मेरे को? अरे रात को सोने दे रहा बाबा, अभी रात आने रहा बाबा। दस बज रहा, दस रात नहीं हो रही। अरे देवा रे देवा, इतनी अच्छा सपना देख रहा था रे बाबा, मस्त वाला सपना था। वो बाइक आई थी ना मेरे सपनों में, साला टेंशन देता रे बाबा तू। ए भैया, अरे उठ रहे बाबू रे, चल हल्का सोने दे मेरे को। तेरा बाल बच्चे कसम उठ रहे। अरे देवा रे देवा, मेरी शादी भी नहीं हो रही बाबा, मेरे बाल बच्चों की कसम बोलता रहे। अरे बाप मेरे, भूल गया यार, तेरे में इसकी शादी नहीं होने। ए चल उठ तो, उठ तो। अरे अपने धर्मगांव जाने का है। अरे बाबा हल्का ले हाथ दे, वैसे सो रहा आराम से। अबे टाइम पे जाना है ना। क्या किधर जाने का रे बाबा? किधर जाने का? अरे तो बस के अंदर सोने का, बस के ऊपर नहीं सोने का, कब से ढूंढा हेड़ के जैसा। एक बात बोलू रे बाबा? हाँ बोल। मैं बस के अंदर सोता ना, जब भी जगा देता है ना मेरे, इसके लिए मैं भी बस जाना समझे ना। ऊपर से सही होशियार है तू। चल अंदर घुस। अरे नहीं रे बाबा, अभी बाबूराव एकदम मस्त वाला मुंह धोएगा रे बाबा, एकदम झकास बोलो तो। अरे मेरे बाप रे, अभी तू मुंह धोएगा? अब मुझे केड़ा बना के रखा तूने, अंदर ढूंढ, इधर ढूंढ, नीचे ढूंढ, ऊपर जाके सोया, अभी ऊपर से नीचे लाया तो मुझे बोलता अभी मुंह धोने जा रहा। अबे घर से नहा के आकर मुंह धो के आकर। अरे मेरा दोस्त है ना रे बाबा, मेरा जोड़ीदार है ना रे बाबा तू। अरे सबको मालूम है ये जोड़ी, अरे रब ने बना दी जोड़ी समझे ना। और कौन सी जोड़ी मालूम है क्या? एक जानी है तो दूसरा बाबूराव रे बाबा, समझे ना बाबूराव। तेरी बड़बड़ काम करके मेरा सर दुखता। अरे तेरा मुंह बंद कर रहे, इतना बड़बड़ बड़बड़ करते रहता। जो पैसेंजर अंदर बैठते ना, वो बाहर निकल मुझे बोलते, बोले कंडक्टर नहीं पागल, बोले इतना बड़बड़ बड़बड़ करता, बोले और मेरा भेजा अलग चाट रहा, जल्दी मुंह धो गया। थैंक यू रे बाबा, गवर्नमेंट की सर्विस है, नहीं तो मैं छोड़ के चले जाता इसको। ये रास्ता किधर जाता हो? ये रास्ता कहाँ जाता है मुझे नहीं मालूम, मैं बस डरा रहे बस चलाता, ये बस कहाँ जाती है इतना मुझे मालूम है। धंधो ये रास्ता किधर जाता? अरे क्या मैं ठेकेदार है क्या? इधर का रोड किधर जाता, इधर का रोड किधर जाता? क्या मैं वॉचमैन है क्या? तेरा नौकर है क्या? मैं बस चलाता, ये बस कहाँ जाती खाली मुझे इतना मालूम है। अरे दादा तो ये इतना बता दो ना फिर कि ये बस कहाँ जा रही? अरे बस है ना, जोड़गा जाती, अरुई जाती, दुनिया जाती, अम्बलर जाती, धरनगांव जाती और भुसावल जाती, तुझे जाने का इतना बोल। अरे इतना नाम गिनाने की क्या जरूरत है, तारे भुसावल बोल सकते थे ना, मेरे को भुसावल जाने का। अरे बाप जब तुझे भुसावल जाने का था ना, खाली आना था भुसावल ही पूछना था ना। चल बस। अरे ब
बाबूराव। अरे मेरा बाप रे बाप, क्या करना है इसका इलाज। मैं काम पे से हट जाऊँ क्या, इसको हटा दू। बाबूराव मुंह धोने गया क्या, नहाने गया, तब से आ रहा नहीं। जाने बस का यार, तुमको जाने का धरंगा 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 ही जा रही। हाँ चलो बेटो, ये क्या है। अरे मेरे बाप, धरंगा में महल निकालने जा रहे क्या, महल की जैसी प्यार दिख रही हो। महल निकालो, महल निकालो, सुना गया, पहुंच गया, दामन गया, दंकड़ गया, चला दाढ़ी बसा। एकदम महिला दिख रहा था मुझे, धरंगा महल निकालने जा रहा हूँ। चले धुलिया भड़गा पाचोरा धरंगा, ए चला धरंगा आके कोई धरंगा। ओ दादा, अरे क्या चिल्लाते खड़ा बाहर, अरे कुछ चालू करना है, एसी बीसी अंदर इतना गर्म हो रहा ना। अरे हवीजाज पे जाया करना, 100 रुपया भाड़ा देता, उसमें बोरा गरम हो रहा, दिमाग खराब कर रहा, क्या एसी लगाओ तुम्हारे वास्ते। हाँ जाएंगे गुलिया। यार घर से भाग के तो नहीं आया, क्या औरत ने मारी। चोर के जैसा आ रहा तू, हाथ में थैली नहीं कुछ। अच्छा निकल, भाड़ा बराबर देना, चल बैठ। ड्राइवर मैं, कंडक्टर वो, और पैसेंजर मुझे भरना पड़ रहे। ए भाभी भाभी भाभी, अरे आ गया रे मैं, चल फटाफट से निकल गाड़ी। बाबूराव 6-7 पैसेंजर बिठा लिया, और 2-4 पैसेंजर इधर से उठाते, रास्ते से बाकी के उठा लेते अपन 4-5। एक बात बता रहे जानी, ये साला गुंडा लोग भी रास्ते से आदमी उठाता, अपन भी रास्ते से आदमी उठाता, साला दोनों में फर्क क्या है रे बाबा। बहुत फर्क है बाबूराव, वो जो गुंडे उठाते ना, उठा रहे ऊपर पहुंचाते, बाबू जो क्या काम करते मालूम है क्या, बस में बिठाते डायरेक्ट गांव तक पहुंचाते, उनके घर तक पहुंचाते। और गुंडों में आपने बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। आवाज लगा, हाँ सही बोला रे बाबा तुम। चलो रे बाबा, ये धुलिया वाला है क्या रे, कोई धुलिया पारोला एरंडल मार के धरंगा भी आसमान में नहीं, पैसेंजर इधर देख, इधर देख, मुझे ऐसा बनाता, मुझे बेवकूफ बनाता, मजा ले रहा। इधर इधर पैसेंजर, ऊपर नहीं आसमान में। अरे हलकट बोल रहा ना रे मैं, मेरे का स्टाइल में बोलता मैं। चलो रे बाबा, पारोले वाले हाई क्या रे बाबा, अरे धुलिया पारोला हेरंडोल मार के सीधा धरंगा जाएंगे रे बाबा। ए कोई हाई क्या रे बाबा, ए आओ रे जल्दी। ये जानी अपुन मुक्का भाई डोंगरी वाला, ये बस किधर जा रही है। ए मुक्का भाई, अपन को मुक्का लेने का नहीं, क्या बोलता है दादा, दिमाग खराब करने का नहीं, बात करने का ना भाई, तो हमारे बाबूराव से अपन से नहीं करने का किया। ए मुक्के और मुक्की की बात नहीं चल रही है, ये बस का पूछा ज्यादा मचमच नहीं करने का, चल सट्टा किधर से। ए बाबूराव, ये बस किधर जा रही है जल्दी बता, नहीं तो अपन ना डायरेक्ट मुक्का देता, समझा क्या, चल फटाफट बता। अरे वो सब छोड़ रे बाबा, मुक्का मारेगा तू मेरे को, ये बता आज तेरे को जाने का किधर है ये बता। अरे अपन को जलगांव जाने का है ना रे चरक के। अरे जलगांव जाने का ना, चल फटाफट से बैठ जा रे गाड़ी में, चल खोल के बैठ जा। ए अपन तेरी को लेकिन पैसा दे रही है तो डोर तू खोलेगा क्या, मैं खोलेगा। अरे ये दिमाग की हड्डा मत नहीं तो देगा, समझा क्या, दरवाजा खोल। चला इधर पे आ रे, साला हलकटपन करता है, साला पैसा दे रहा है तो साला सिर पे बिठा के ले जाएगा क्या। साला मुक्का दादा, मेरे को मुक्का मारेगा साला। अरे का रे ये जानी, किधर गया रे जानी। अरे अंदर के भी दो आ गया, बाहर के भी दो आ गया, तेरे सामने खड़ा है। अरे तेरी वजह से रोज लेट होता रे मैं। अरे वाह मेरे वजह से, अब इतना कैसा झुट्टा रे तू, मुंह धोने गया तो 1 घंटा लगा दिया, मेरे वजह से कैसे क्या बता रहा तू, तेरे वजह से हुआ। अरे नहीं रे जानी, तेरी वजह से लेट हुआ मैं। अरे बाबूराव तेरी वजह से हुआ। नहीं तेरी वजह से हुआ, समझे ना, तेरी वजह से हुआ। अबे खामोश चुप रहियो, न तो डाल लूंगा तुम दोनों के मुंह में बॉम्बू। अरे मेरे बाप रे, ये चतुरु की आवाज निकाल रहा, अरे मुर्गी की निकाल रहा, कुकुड़कू। अबे खामोश, पटेले दूध की मलाई, बस अगर नहीं चलाई तो कर दूंगा तुम दोनों की ठुकराई। अरे बाप रे, ये कुकुड़कू, ये चतुरु की आवाज में मुझे धमकी दे रहा बाबूराव, करता कुछ इसका। जाने तो टेंशन मत ले, धमकी वही देते हैं जिनकी रगों में खून की बजाय पानी होता है। अगर ये मुंह चलाया, हाथ पैर चलाया ना, तो तू इसके ऊपर बस चला देना। सच कह रहा हूँ मैं, पूरी ऑर्डर है तुझको, चला देना, समझा। क्या बात है बाबूराव, पकड़ चश्मा,
क्या है शत्रुघ्न सिन्हा की खुर्चे नहीं शत्रु की आवाज निकाल रहा अरे बीच में बोरा ना कुकुड़ 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 कर रहा ये क्या इलाज है तुम लोग का अरे जानी दादा के मजाक भी नहीं करना क्या मजाक कर रहे थे अच्छा अरे तेरा पूरा क्या कर रहा कुकुड़ को कुकुड़ को मुर्गी की आवाज निकाल रहा ज्ञानी दादा कुकुड़ को इससे कर रहा इसने है ना जिंदा चूजे का बच्चा निगल लिया भूख लगी थी घई घई में गटक से निगल लिया अरे मेरे बाप मुर्गी का बच्चा खा लिया तू क्या कर रहा था रिका में इसका इलाज कराने में भड़गांव ले आ रहा इससे बस का पूछने आया था निकल रहे ना तो पहले ऐसी आवाज बोल रहा था ना शत्रु की निकालना था चल बैठ चलता बाबू राव अरे चल ना रे बाबा क्या आवाज निकाला शत्रु की आवाज ही गायब ही कर दिया मुझे साला मुंह चला रहा था मेरे से चल जल्दी से बस निकाल रे साला लेट हो गया आज भी ए बाबूराव मजा आ रही ना बाबूराव मैं निकला गड्डी लेके मेरे कंडक्टर पीछे बाटा चिता करता क्या चल रे बाबा टिकट दे रे बाबा ये चल मुक्का दादा टिकट कहाँ जाने का तेरे को ये वीरपन को मुक्का बोले दो ये मुक्का बोले दो डोंगरी का भाई अपुन ने बोला ना तेरे को अपुन को जलगांव जाने का है यार काय को भटक भटक कर रहे ला यार अपुन के साथ जलगांव जाने का ना रे बाबा तेरे को चल ला पैसे दे रे बाबा कड़क कड़क गांधी ले चल ले पकड़ ये ₹100 में बैलगाड़ी में बैठा कर जलगांव जा रहा कर तेरे अरे फिर फटाफट लगा रही ला रे तेरा मुंह है क्या गटर अरे ले ये ले जल्दी टिकट दे यार मच मत मत कर आगे चल चल रहा जाने फटाफट ये ले रे बाबा तेरा टिकट ले ले मुक्का दादा अरे दादा कहाँ जाने करे अरे को करे बड़गांव जाने का है एक फूल एक हाफ एक फूल हाफ कौन है रे बाबा बच्चे ना ये तो महिला अरे बड़ा लड़का है ना रे बाबा अरे जिंदा चूजे खा ले रहा तो बच्चे ही ना हो हाफ 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 पूरे गांव का हाफ ले ले फूल लगेगा चल लो बस का सफर करने का नहीं तो कर चल ये ले टिकट चल अबे भास्कर यार उका दिया बस में सफर कर रहा है दरबे में कर रहा मैं उधर से वो बाबू राव कान छाप रहा इधर से तू कुकड़ू कुकड़ू कु बटन दे रही कुछ जो बस कर ए सो तो नहीं गया क्या गिरेक का भेजा खा रहा पैसेंजर का भेजा खा रहा मैं तू अच्छा उधर ही बड़बड़ करते रहे अरे दादा कहाँ जाने का तेरे को अरे पैसेंजर को बैठा के भूल जाते क्या भुसावल जाने का बोला ना अरे मैं भूल जाता ना रे बाबा बहुत टेंशन है रे बाबा चल ठीक है भुसावल तेरे को टिकट लगेगा तेरे को मालूम ना कितना लगेगा मैं चला रहा गाड़ी मैं कंडक्टर है तुम्हारा फैसला करो कितना लगेगा तो भाड़ा अरे जाने टिकट कितना है रे भुसावल का अच्छा महिला भूल जाता ना रे मैं बाबा चल छोड़ ठीक है रे बाबा थोड़ी देर बाद देगा ₹425 हाँ चलो रे ये छो महिला मस्त ब्रेक मारता रे तू जाने एकदम फर्स्ट क्लास वाला हर ब्रेक पे केला खाने को मिलता मेरे को अरे बाबू राव अरे पुलिस वाला साहब खड़ा है बोलो साहब क्या बात है मुझे तुम्हारा गाड़ी चेक करना है चलो अरे साहब उसमें पैसेंजर है ना साहब ये गाड़ी चेक करना है आप लोगों का चलो ना साहब कोई बात चलो चलो महिला नीचे आ रहे चलो उतारो फटाफट सबको बाहर उतारो निकालो सबकी चेकिंग करनी है हाँ साहब आप भी बोलता ये चलो रे सब नीचे आ जा रहे फटाफट से साहब चेक कर रहे आ जा चलो फटाफट से आ जा हाँ साहब बहुत दिनों से तलाश थी तेरी आज हत्ते लगा है चल ओ साहब एकदम सीधा आदमी है उसके बच्चे का इलाज करने के लिए वो भड़गांव लेके जा रहा एकदम देव मानुस है साहब अरे ये कोई देव मानुस नहीं है ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है इसकी बैग में 2 करोड़ का कोकीन है क्या हाँ हाँ गाइस जानी ड्राइवर बाबू कंडक्टर अगर ये क्या आपको अच्छा लगा होगा लाइक करो कमेंट करो शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।